वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आए हो बहुत अच्छे होंगे। टाइम हो रहा है एक, पक्का एक बज रहा है। और एक वजह ये देखिए मेरे घर का हालत, क्योंकि बता रही हूँ क्योंकि, और यहाँ भी दिखा रही हूँ आपको, कुछ बुरा हालत दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से किचन का दुर्दशा बिगड़ा हुआ है इस तरह से। तो इसलिए है क्योंकि दीपावली का सफाई चल रहा है, मतलब दुर्गा पूजा ख़त्म और दीपावली का स्टार्ट। मेरा तो दूसरे दिन से ही स्टार्ट हो गया सीढ़ी वगैरह, सीढ़ी साहब की, क्योंकि इनका सी शिफ्ट चल रहा था, उस हिसाब से मैं अपना काम करती हूँ, इनके ड्यूटी के हिसाब से मुझे काम करना पड़ता है। तो आज भी काम लगा पाई क्योंकि इनका सी शिफ्ट है। और सीढ़ी का बस दुर्गा पूजा ख़त्म हुआ था, बस सीढ़ी भी सफाई हुआ, उसके बाद से कुआँ तरफ जो था सफाई वो भी हुआ। और यहाँ पर मेरी सासू माँ बस नाश्ता करके सोई हैं, खाना नहीं खाई अभी तक, देखिए कब स्टार्ट होती हैं। ऐसे एक दो बार मांग चुकी हैं बट मैं इग्नोर करके चल रही हूँ। और किचन का रहा, किचन का भी बर्तन डब्बा, इस तरह का डब्बा उतार करके मैं अभी धोई हूँ। चलिए दिखाती हूँ, धो करके धूप में डाली हूँ, धूप तो ज़्यादा आ नहीं रहा है गेट पे, बट फिर भी धूप में दिखाई हूँ, चलिए दिखाती हूँ। और इस रूम का चलिए बता दूँ, इस रूम का पूरा क्लीनिंग हो गया, जो भी था झोल मकड़ी पोछा पाछी जो भी खिड़की का था सारा काम कर ली, फूल वगैरह भी, ये सारा फूल वूल साफ़ कर ली, ये भी फूल साफ कर ली, सफाई हो चुका है यहाँ का टोटल सफाई। हाँ कुशन कवर एक दो दिन रहेगा तब मैं साफ़ करूँगी, चेंज करूँगी और साफ़ करूँगी। तो इस रूम का क्लीनिंग लगभग हो गया है। और इस ये बचा है दरवाज़ा, जो पोछा पाछी वाला चीज़ है वो बचा हुआ है। तो चलिए दिखाती हूँ बाहर। ये देखिए सारा डब्बा वब्बा धो करके बाहर रखी हूँ, और इधर यहाँ भी है सारा चीज़ धो करके रखी हूँ। और यहाँ पे कुछ मसाले जो धूप में डाली हूँ, धूप में मैं डाल नहीं पाती हूँ जल्दी, और यहाँ पे डाली तो हूँ बट डर लग रहा है कि कब गाय या बकरी आकर के मुंह लगा देगा, वो डर लगा हुआ है। बाकी क्लीनिंग तो, और बरामदा का भी कहूँ तो बरामदा का भी, यहाँ का डाइनिंग हॉल का भी बिल्कुल काम हो चुका है, झोल मकड़ी था साफ़ हो चुका है, फ्रिज वो वॉशिंग मशीन भी लगभग साफ़ कर चुकी हूँ, फ्रिज साफ़ करना है क्योंकि फ्रिज तो पूछिए मत हफ्ता दिन में ही गंदा होता है, तो साफ़ तो कर चुकी थी फिर भी करना है। और इस साइड का देखिए क्या होता है, झोल मकड़ी, देखिए झोल मकड़ी साफ़ होने के बाद भी यहाँ पे देखिए लटक गया। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, हस्बैंड ने जैसे कि ये पार्ट बिगड़ा हुआ है मेरा, ये पार्ट बिगड़ा हुआ है, तो इसको ये बोले कि देखूँगा तो पेंट कर दूँगा, पेंट है बस सिर्फ करना है, इनका मन का है, ये वैसे असकती आदमी नहीं है, कर लेते हैं, बट फिर भी मूड का है इनका, मूड के ऊपर, मूड हुआ तो सारा कर देंगे वरना काम का रखा हुआ रह जाएगा। और यहाँ किचन का काम निपटाते हुए मैं चावल बना ली, दाल भी बन गया, और यहाँ पे बैठाई हूँ आलू का चोखा बनाऊंगी, क्योंकि सब्जी उब्जी खत्म हो चुका है और जानबूझ के भी नहीं ला रही हूँ कि फ्रिज खाली रहे तो थोड़ा साफ करने में बनता है, इसे टोटल चीज़ निकालिए सजाइए पोछिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो सब्जी नहीं है, सफाई अच्छा से हो जाएगा। यहाँ पे आलू बैठाई हूँ, एक दो सीटी मार भी चुका है, तो किचन का क्लीनिंग यही चल रहा है अभी। तो फिलहाल सिर्फ डब्बा यहाँ इस साइड का उतारी हूँ, और इस साइड जो दिख रहा है ये बर्तन, इसका साइड का ऊपर का साफ कर ली और सेट कर दी। अब रहा इस साइड का, धीरे धीरे काम करती जाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। तो आज का ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, तो जो जितना की हूँ शेयर कर दी। इस रूम का भी बता दूँ, इस रूम का भी मैं, मेरा हो चुका है जो भी है, अब पूजा का भी हो चुका है, पूजा का पर्दा वर्दा सब चीज़ धुल चुका है, अब सिर्फ बचा है पर्दा, इधर का जो पर्दा था वो इस गेट का, किचन गेट का और उस गेट का पर्दा वर्दा बचा हुआ है। तो पर्दा ये देखिए निकाली, आज निकाली हूँ, और देखिए धोती कब हूँ, धो पाऊँगी कल या परसों, तो आज तो नहीं धोगी क्योंकि आज किचन में ही काम लगेगा। तो किचन में भी मैं पूरा आज कर पाती हूँ कि नहीं देखती हूँ, मेन डब्बा जो था वो सब धो चुकी हूँ, ऐसे डेली मैं साफ़ कर देती हूँ, हाथ हाथ मार ही देती हूँ फिर भी हाथ हाथ का दाग हो जाता है, और जैसे चिपचिपा तेल का वो मेरे डब्बों पे कभी नहीं बैठता है, वो मैं बैठने नहीं देती हूँ, हाथों से साफ़ करते रहती हूँ, सामान खत्म हुआ फिर से उसको धो दो, सामान खत्म हुआ धोते जाओ धोते, और डब्बा एक्स्ट्रा रखी हूँ, अगर नहीं भी धो पाई उसको रख दूँगी कि हाँ बाद में धोऊँगी, धोया हुआ रख देती हूँ। और यहाँ में मेरा कुट्टू है बेचारा भूखा बैठा है, खिचड़ी सारा खा गया, अब ये खाया कि इसका शेरू खा गया, भगवान जाने शेरू अभी तक खाना नहीं खाया, तो काम तो पड़ा हुआ ही है। और बाथरूम थ्रूम तो लास्ट में धोऊंगी, बाथरूम लास्ट में धोती हूँ, मैसेजेस आते रहते हैं। तो यही आज का अपडेट यही है, और आज सर भी भारी लग रहा है, मन कर रहा थोड़ा चाय पीने का, लेकिन नहीं पीऊँगी, छोड़ो नहीं पीती हूँ, और देखूँ
कितना काम आज निपटा पाती हूँ, क्योंकि साथ साथ में खाना भी बनाना पड़ता है। हस्बैंड का कोई बात नहीं है, लेट सेट खा लेंगे, लेकिन ये अगर स्टार्ट हो गई ना, मेरी सासू माँ अगर स्टार्ट हो गई तो फिर वो रुकती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रुकती है। उनको चाहिए कि मतलब जल्दी बोलूँ और जल्दी से इस तरह से करती हैं। ये देखिए पड़ी हुई है, नींद से सोई है, सुबह से दो बार सोई है, दूसरी बार है सो रही है। और मेरे घर के कोई गेस्ट आए हैं जो आप लोगों को दिखा दूँगी बाद में, दूसरे ब्लॉग में दिखाऊँगी। तो चलिए ब्लॉग यहीं पे अंत करती हूँ, अंत नहीं आगे ब्लॉग का तैयारी करूँगी, और ये ब्लॉग यहीं तक रहेगा। मिलती हूँ आप लोगों को अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। दीपावली के सफाई में लगे रहिए, चलिए चलती बाय।